तो आज हम सीखने वाले हैं, अगर आपके पास कभी भी कोई स्टैटिक इमेज आती है और आपको उसे मूवमेंट देना है या पैरेलेक्स मूवमेंट देना है तो आप कैसे देंगे। जैसे कि हमारे पास ये पीएनजी इमेज है, अगर मैं चाहता हूँ कि क्लाउड में थोड़ा पैरेलेक्स मूवमेंट हो तो आप कैसे दे पाएंगे, वो चीज़ आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड है और एक एडवांस मेथड है। तो मैं आपको दोनों समझाने वाला हूँ। अगर क्या होता है, कई बार आपका ट्रेडिशनल मेथड कम टाइम लेता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका समय बच जाएगा। अगर आपका शॉर्ट में वो ट्रेडिशनल मेथड काम नहीं करता है तो मैं आपको एडवांस भी सिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का प्रीवेट पॉइंट जो होता है वो मिडल में रहता है। इसके बाद तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो ये ट्रांसफॉर्म का प्रीवेट पॉइंट है ये सेंटर में ही रहता है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट नीचे रहे हमेशा तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इसे ड्रैग करके नीचे ला सकता हूँ। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और एडिट एक्सप्रेशन में जाता हूँ। यहाँ पे मुझे डालना है इनपुट डॉट विड्थ और मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 से। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे विड्थ की जगह हाइट कर दूंगा तो ये क्या होगा, आपका सेंटर में लॉक हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे एनिमेशन की आ चुकी है और ये आपका सेंटर में लॉक हो गया है। लेकिन हमें सेंटर में नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए। एडिट एक्सप्रेशन में दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे जो हमारा वाई है इसमें मैं 0 कर दूंगा। जैसे 0 करूँगा तो ये आप देखेंगे ये आपके नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ से मैं अब कुछ ऐसा करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये इमेज हिलती हुई दिखाई दे रही है। तो जो बेसिक तरीका है वो आपको समझाता हूँ कि लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम में गए, की लगाई आपने और जैसे कि मैं यहीं तक करना चाहता हूँ और उसके बाद हल्का सा मूवमेंट दे दिया यहाँ पे, उससे क्या है आपकी इमेज चलती हुई दिखाई दे रही है आपको। लेकिन इसके बाद अगर आपको ये एनिमेशन नहीं करना है, आपको ये की नहीं लगानी है, वो भी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो आपका यहाँ पे QX है यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐड करता हूँ। एक्सप्रेशन क्या है, फ्रेम मल्टीप्लाई स्पीड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी आपको एरर दिखाई दे रहा है तो इसका सॉल्यूशन भी अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है, इस ऑप्शन में आपको आना है, यहाँ पे जाके ऐड करना है फ्लोटिंग पॉइंट स्लाइडर लेना है। यहाँ पे आपको वही नाम डाल देना है जो आपने अभी मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे आपको जैसे 0 to 1 मैक्सिमम टू हायर टू लोअर वैल्यू होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ये डाल रहा हूँ और नीचे डाल रहा हूँ 0.1। इससे होगा क्या, आपका एक स्लाइडर यहाँ पे बन के आ जाएगा, ठीक है। लास्ट फ्रेम में जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ तो आप देखेंगे ये यहाँ पे मूव हो रहा है। अभी मैंने की नहीं लगाई है तो आप देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका एक स्लाइडर बन गया है जिसमें आपको की लगाने की जरूरत नहीं है। इसके हिसाब से अभी देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा चाहिए कि ऑफसेट हो यहाँ पे भी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन ऐड किया था उसमें एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी हमें, फ्रेम के यहाँ ब्रैकेट लगाएं, यहाँ ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पे प्लस कर दें ऑफसेट। और अभी ऑफसेट को ऐड करने के लिए आपको दोबारा यहाँ जाना है, मैनेज में जाना है, ऐड करना है और यहाँ पे फ्लोटिंग पे लेना है और यहाँ पे लिख देना है ऑफसेट और इसे यहाँ कॉपी करें। यहाँ मैं -10 लेता हूँ और 10 लेता हूँ तो यहाँ पे आपका स्लाइडर आपके पास आ चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को आप देखे होंगे इस तरफ ये स्क्यू हो रही है तो इसको मैं और स्क्यू करता हूँ। अगर मैं इसको स्क्यू ना करूं तो आप अभी देखिए ये ऐसा हो जाएगा। तो अभी मैं इसको ऑफसेट को करते करते यहां तक लेके आता हूं, ठीक है, इतना मैं ला चुका हूं। अभी यहां से कुछ ऐसा आपको एनिमेशन यहां पे मिलने वाला है, ठीक। लेकिन अभी भी आपकी ये इमेज यहां पे कट रही है तो आपको करना क्या है, ट्रांसफॉर्म लेना है, ये सेंटर में आपका आने वाला है।
आपको एकदम से बढ़ाना नहीं है, आपको उतना ही बढ़ाना है जितना आपको ज़रूरत है। और नीचे एक क्रॉप लगाएंगे। यहाँ क्रॉप लगाने के बाद अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देखिए आपको यहाँ पे एक मूवमेंट मिल गया है। लेकिन इस मूवमेंट में आपका ड्रॉबैक क्या है, इसमें आपका पैरेलेक्स नहीं है। लेकिन कुछ शॉट्स में आपको उतना पैरेलेक्स नहीं चाहिए होता तो वहाँ पे ये चीज़ काम कर जाएगी। हमारा ट्रेडिशनल मेथड यही है कि ऐसे हम करते हैं। इसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ अगर आपको पैरेलेक्स मूवमेंट चाहिए तो आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है। तो अभी इसको साइड करते हैं यहाँ पे। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लेना है कार्ड, कार्ड के बाद लेना है कैमरा। ये दोनों चीजें लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है प्रोजेक्शन में, यहाँ पे दो कर लें, अपने कार्ड को भी ले लें यहाँ पे। तो आपको जो ये फोकल लेंथ दिखाई दे रही है कैमरे के अंदर, प्रोजेक्शन के अंदर, तो आपको करना क्या है, जो आपको ये फोकल लेंथ यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको इसे कंट्रोल से प्रेस करके यहाँ पे जो ये फोकल है यहाँ पे छोड़ देना है। इससे क्या होगा, ये यहाँ पे लिंक हो जाएगी और ये जो आपका है इसको आप यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। इतना ही काम करना है। और आप चाहते हैं कि थोड़ा डेप्थ आपका जनरेट हो तो इसको थोड़ा हम इतना पीछे कर देंगे। ठीक, इतना होने के बाद आपको लेना है स्कैन लाइन रेंडर। ठीक, कैमरे को कैमरे में लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लगाएंगे और यहाँ पे इसे लगा देंगे। ठीक है, इतना सिंपल है। अभी बीजी में लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ रिमूव ऑल। ये क्या करता है, ये आपके जैसे आपके पास अभी आर जी बी इंफॉर्मेशन है और अल्फा नहीं है, अगर अल्फा भी होता तो ये क्या करता है, सारे चैनल को ब्लैंक कर देता है। अभी यहाँ पे आर जी बी ए तीनों में कुछ नहीं है, चारों में कुछ नहीं है। तो अभी हमारे पास सिर्फ हमारे पास फॉर्मेट आ गया है, इस फॉर्मेट में हमें इसे रखना है। तो क्या करते हैं, इसको नीचे लाता हूँ और अपना बी जी यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ये और ये चीज हमें बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं ऑफ करके, तो ये अभी सिर्फ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, यहां पे आपको लेना है कीयर। इसे हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अभी यहां पे हम इसकी वैल्यू लेंगे कुछ कि इतना यहां पे ले लेता हूं और ये ऐसा कुछ ले लेते हैं। अभी जो इफेक्ट हमें चाहिए वो आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट जियो से। ठीक, इसे यहां जोड़ा और इसे यहां पे जोड़ दिया। तो अभी होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूं। सोर्स में अल्फा करेंगे तो अभी यहां पे हमारे पास आप देखेंगे ये रो और कॉलम है ये बहुत कम है। तो आपको एक और चीज करनी है, आपको यहाँ पे कार्ड के अंदर रो और कॉलम दिखाई दे रहा होगा, आपको करना क्या, इसको उठा के यहाँ पे ड्रैग करें। जब आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक वैल्यू आपकी यहाँ पे भी चेंज हो जाने वाली। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास एक डेप्थ क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। ये जो हमारा वाइट एरिया है ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम लेते हैं एक रोटो और रिमूव नोड यहाँ पे लेते हैं, बीजी को यहाँ पे ऐड करते हैं, एक नोड लेते हैं चैनल मर्ज। अभी आपको क्या करना है, ऑपरेशन में स्टेंसिल कर देना है क्योंकि आप माइनस करना चाहते हैं उतना पार्ट जो कि यहाँ पे हो चुका है। इसको थोड़ा और अच्छे से करने के लिए यहाँ पे हम इसे ब्लर कर देंगे। कुछ इतना ब्लर करने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो वो चीज हमारी यहाँ पे सही हो चुकी है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि इसे ऑन ऑफ करता हूँ तो ये चीज भी हमारी आगे आ चुकी थी, इसे हमने दोबारा से ठीक कर लिया। ठीक,
इतना होने के बाद आपको अब करना क्या है, तो अभी आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेस जियो में अगर ऑफसेट को हिलाता हूँ तो आपके सामने ये चीज़ यहाँ पे हिलने वाली है। लेकिन अभी एक दिक्कत ये आ रही है कि आपके एजेस बहुत ज़्यादा शार्प हो चुके हैं। इन शार्प एजेस को ठीक करने के लिए आपको करना क्या है, ब्लर लेना है और इसे पूरा 100 कर देना है। तो आप देखेंगे जो दिक्कत अभी आपको आ रही थी वो दिक्कत यहाँ से हट चुकी है। अगर मैं अब आपको ऑफसेट को कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ तो आप देख पाएंगे कि पैलेक्स मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे एक चीज़ सीखी थी, ये ऑफसेट और स्पीड को क्रिएट करना, वही चीज़ अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, जो आपका ये ऑफसेट है इसको यहाँ पे लें, यहाँ पे ऐड एक्सप्रेशन करें, जो एक्सप्रेशन आपने वहाँ पे दिया था फ्रेम ठीक, और यहाँ पे आपको प्लस करना है ऑफसेट को। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप ऑफसेट का नाम ऑफसेट नहीं रख सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेस जियो में ऑलरेडी ऑफसेट यहाँ पे है, तो हमें ऐसा कुछ नाम रखना है जो उससे थोड़ा डिफरेंट हो ठीक है। इतना करने के बाद मल्टीप्लाई स्पीड कर देना है आपको, ये चीज आपकी यहाँ पे हो चुकी है ठीक। अभी आपको क्या करना है, जैसे कि हम मैनेज जाते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं फ्लोटिंग करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्पीड, जो हम पहले कर चुके हैं वही चीज आपको दोबारा यहाँ पे करनी है। इतना आपको यहाँ पे कर देना है, दोबारा से ऐड करना है, जो अभी हमने ऑफसेट का नाम दिया था सेम वही नाम आपको यहाँ पे दोबारा से लिखना है। इस चीज में गलती मत कीजिएगा नेमिंग में ठीक है। ये होने के बाद अभी आपको यहाँ पे वैल्यू को चेंज करना है, जो हमारा ऑफसेट रहेगा वो रहेगा -40 और इसको हम थोड़ा यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं। तो एक बार मैं इसे प्ले करके चेक करता हूँ कि क्या आउटपुट हमें यहाँ पे अचीव हो रहा है। तो यहाँ पे आप प्ले होने के बाद देखेंगे कुछ पैलेक्स मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस चीज़ को और रिफाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे नॉइस का, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम करते हैं 0.01 कर देते हैं 0.01 ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हम यूज़ करने वाले नॉइस का, तो नॉइस के लिए हमें एक कुछ ऐसा यहाँ पे ये चाहिए। तो यहाँ पे अब हम नॉइस को लेंगे, नॉइस लेने के बाद तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे मिलने वाला है, तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग कम कर लेंगे जितना हमें चाहिए। तो इतना मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो चीज़ है ये हमारी स्पीड के लिए है, तो यहाँ पे हम स्पीड को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे ऐड एक्सप्रेशन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फ्रेम मल्टीप्लाई स्पीड, और यहाँ पे दोबारा से हम एक चीज़ ऐड करेंगे यहाँ पे स्पीड करके, तो यहां पे आ गया ये, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। इसके अंदर हमें कुछ ऐसा इफेक्ट हमें यहाँ पे मिल जाने वाला है ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये चीज को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, तो उसके लिए मुझे सफल कॉपी की जरूरत पड़ेगी। सफल कॉपी के लिए यहाँ पे अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद सफल कॉपी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे एक चैनल क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाएं, हमें करना है वेक्टर डिस्टोर्ट, तो यहाँ पे RGB करें, यहाँ पे आपका चैनल क्रिएट हो चुका है। उस चैनल को देखने के लिए आप क्या करें, लेयर कॉन्टैक्ट शीट यहाँ पे लें, यहाँ पे ऐड करें, यहाँ पे आपको इसे यहाँ पे चेंज कर के बाद आपको यहाँ पे ये दिखाई देने वाला है ठीक है। के बाद आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे लेना है शफल,
जो भी आपने वहाँ पे वेक्टर डिस्टॉर्ट क्रिएट किया था अब आपको यहाँ पे चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाइए वेक्टर डिस्टॉर्ट लेंगे तो आपके पास वेक्टर डिस्टॉर्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको लेना है कॉपी, इसको यहाँ जोड़ें, ए को यहाँ जोड़ें और आपको यहाँ पे फॉरवर्ड यू फॉरवर्ड वी कर देना है। ठीक, इसके बाद लेते हैं आई डिस्टॉर्ट, आई डिस्टॉर्ट में भी आपको यहाँ पे फॉरवर्ड को चेक कर देना है। अब अगर आप इसे बढ़ाएंगे यहाँ पे स्केल को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो आपका ऐसा कुछ, तो यहाँ पे आएंगे तो आपके पास इस चीज को आप जैसे यहाँ पे बढ़ाएंगे तो आपके पास आई डिस्टॉर्ट यहाँ पे आ जाने वाला है। यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट लगाते हैं, इसके बाद इसे चेक करते हैं तो आप देखेंगे हमने कितने कम समय में यहाँ पे पैरेलेक्स मूवमेंट क्रिएट कर दिया है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड से जाना है आप उससे भी जा सकते हैं, अगर आपको एडवांस से जाना है तो एडवांस भी जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली बार मिलते हैं, धन्यवाद।